शहर में दिन पर दिन बढ़ती ऑटो रिक्शा की तादाद के कारण रिक्शा वाले बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। किसी तरह एक दो सवारी ढोकर रिक्शा चालकों को अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस दिन रिक्शा बंद, उस दिन जीविका बंद। एक समय ऐसा था कि शहर के भीतर 100 से अधिक रिक्शा चलते थे। स्थानीय लोग ज्यादातर रिक्शा पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे ऑटो रिक्शा के परिचालन से शहर में रिक्शा का प्रचलन कम होते चला गया। अब मंजर यह है कि शहर में रिक्शा न के बराबर ही नजर आते हैं, और जो पुराने रिक्शा चालक बचे हैं उन चालकों की उम्र भी 50 से 60 हो चुकी है। उनकी जीविका का एकमात्र साधन रिक्शा खींचने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो युवा रिक्शा वाले थे, उन्होंने अपने सवारी रिक्शा को माल ढोने वाले ठेले में तब्दील कर अपनी जीविका चला रहे हैं। जो बुजुर्ग रिक्शा चालक माल ढोने में असमर्थ हैं, वे जैसे तैसे सवारी रिक्शा को खींचकर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी में इन रिक्शा चालकों की स्थिति दयनीय हो गई थी, पर जब अनलॉक हुआ तो इनकी स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिली। लेकिन आजकल हर कोई ऑटो रिक्शा में ही चलना पसंद करता है, रिक्शे की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता। इस कारण रिक्शा चलाने वालों का हाल आज यह है कि दिन भर में 100 रुपये भी कमाना मुश्किल सा हो जाता है।